नमस्कार, बिहारी न्यूज देख रहे हैं आप। मेरा नाम निशा है। बिहार में नई सरकार का गठन भी हो गया और नई सरकार के कैबिनेट का विस्तार भी। सभी मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा भी हो गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस नए नए मंत्रिमंडल में कौन से नेता सबसे ज्यादा सीनियर और कौन सबसे जूनियर है? तो चलिए आपको बताते हैं कि इस मंत्रिमंडल में किसकी उम्र सबसे कम और किसकी उम्र सबसे ज्यादा है। नीतीश के कैबिनेट में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बाद तेजस्वी यादव को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। लेकिन तेजस्वी यादव नीतीश के कैबिनेट में सबसे कम उम्र वाले मंत्री हैं। इस मंत्रिमंडल में सबसे कम उम्र तेजस्वी यादव का ही है और इस मंत्रिमंडल में सीनियर या यू कह लें कि सबसे उम्रदराज मंत्री का नाम विजेंद्र प्रसाद यादव है। आपको बता दें कि नए नए उप मुख्यमंत्री बने तेजस्वी यादव की उम्र 33 साल है। कैबिनेट में तेजस्वी सबसे युवा है, जबकि नीतीश कुमार कैबिनेट के लगभग सभी मंत्रियों की उम्र 50 के पार है। इसमें सबसे अधिक उम्र मंत्री विजेंद्र यादव की है, जिनकी उम्र लगभग 76 साल है। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद 71 साल के हैं। वहीं इस पूरे मंत्रिमंडल में 40 से कम उम्र के भी मंत्री हैं, जिनमें सुमित कुमार 38, जयंत राज 35, तेज प्रताप यादव 34 साल के हैं। नीतीश तेजस्वी के इस कैबिनेट में ऐसे भी कई मंत्री हैं जो सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में आते हैं, यानी कि जिनकी उम्र 60 साल से 70 साल है, जिनमें समीर कुमार महासेठ 62 साल के, सुनील कुमार 62, अफाक आलम 63, विजय कुमार चौधरी 65, सुरेंद्र प्रसाद यादव 63, रामनंद यादव 67 साल के हैं। कुल मिलाकर के नीतीश कुमार के कैबिनेट में 18 ऐसे मंत्री हैं जिनकी उम्र 50 साल से अधिक है। आपको बता दें कि बीते दिन बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, जिसके बाद अब सभी मंत्रियों ने अपने अपने विभागों का कार्यभार भी संभाल लिया है, जिसमें तेजस्वी यादव फिलहाल इस मंत्रिमंडल के सबसे युवा चेहरे हैं। और इस पूरे मंत्रिमंडल में जो चेहरा सबसे बुजुर्ग यानी कि सबसे सीनियर सिटीजन का चेहरा विजेंद्र कुमार यादव का है। बहरहाल, आप तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए बिहारी न्यूज़ को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।